सराय मेरो गांव है, बिमला मेरो नाम है, सरपंच में सराय का दी। बदलाव तो घने ही आ गया जी सराय में, जिस दिन ते मैं सरपंच बना जी। पहले इतना साधन नहीं है जी, पानी की प्रॉब्लम ही, बिजली की ही, गली गली में गारे कीचड़ होते हैं। तो फिर हमने अप्लीकेशन लगा दिया, रोड हमने बनवा दिया, ट्यूबलाइट लगवा दी जी इस गांव में, बोर लगवा दिया जटियान का, और घर घर में टंकी लगवा दी जी। जब हमने शुरुआत में इस गांव में काम शुरू किया तो इस गांव की हालत जो आज देख रहे हो आप ऐसी नहीं थी। गांव के अंदर टॉयलेट्स की संख्या नए के बराबर थी। पंचायत ने और हमने मिलकर गांव में डोर टू डोर मोबिलाइजेशन किया, लोगों को उसके बारे में बताया, इस टॉयलेट्स का होना घर में कितना बेहद जरूरी है। साल पहले सहगल फाउंडेशन ने ये डिसीजन लिया कि हम राइट्स बेस्ड अप्रोच में काम करेंगे, जिसमें हम पंचायतों के साथ काम करेंगे और पंचायतों के सशक्तिकरण पे काम करेंगे। ज़्यादातर लोग तो नए होते हैं, वो सिर्फ चुनाव जीत करके आते हैं, लेकिन पंचायत प्रतिनिधि होने के नाते उनकी भूमिका क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये उन्हें पता नहीं होता है। ये सब जानने के लिए उनका प्रशिक्षण जरूरी है। 73 संविधान जब हमारे देश में आया तो 33% यानी एक तिहाई पंचायतों में महिलाएं होनी ही है। अब बहनों की बारी है, सारी पंचायत हमारी है। जानकारी मिलने के बाद में हमने ग्राम पंचायत में काफ़ी सारे काम कराए। टोटल लेटरिन 90 बनवाई थी, जिसमें 57 लेटरिन हो गए, हमने पेमेंट करा दी। जोहड़ जो जहां हमारे मवेशी पानी पीते हैं, उसमें एक चार दीवारी टूटी हुई थी, वो हमने कंप्लीट कराई ग्राम पंचायत के पैसे से। गांव की दो और कमेटीज़ हैं, जैसे कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है और विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटीज़। अब ये दोनों भी बिल्कुल आइसोलेटेड काम कर रही थी। हमने प्रयास किया है कि ये दोनों कमेटीज़ भी पंचायत के साथ मिल जाएं और फिर इकट्ठे काम करें। कभी बच्चे इनके खाने पे भी चर्चा हो जाती है, कभी पढ़ाई पे भी चर्चा हो जाता है, हर एक चीज़ पे चर्चा चलती है जी। यहाँ पे इतनी गंदगी पानी भरा रहता था, तो हमने यहाँ पे शॉर्ट फिट बनवाए, 40-42 बन चुके हैं, और यहाँ मिट्टी विट्टी डलवाई है, तो इस वजह से अब यहाँ से हमारी गंदगी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। हम लर्निंग बाय डूइंग मेथडोलॉजी को यूज़ करते हैं, जो भी वो सीखें हमारी ट्रेनिंग में पंचायत मेंबर्स और कमेटी के मेंबर्स, उसको फिर एक्चुअल में इम्प्लीमेंट कर पाएँ। दूसरा, हम हॉरिजॉन्टल लर्निंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जिसमें वो एक दूसरे से बहुत सीखते हैं। अच्छा प्रशासन वो है जो लोगों को घर घर जाए और पूछे आपकी क्या ज़रूरत है। तो माइक्रो प्लानिंग में पंचायत मेंबर्स जो है और हम लोग जब जाते हैं घर घर में जाते हैं और पूछते हैं कि आपकी क्या ज़रूरत है, क्या विकास की ज़रूरत है, क्या करना चाहिए। पंचायत राज का मतलब ये है हमारा राज, और हमारा राज का मतलब ये है एक एक आदमी उसमें अपनी भूमिका निभाए। गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो पूरा टाइम नहीं दे सकती वहाँ पे, तो दे आर ऑलवेज पहले ही ओवर बर्डनड है वो। एनजीओस गांव वालों के साथ रहते हैं, उनकी भावनाओं को ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं। आप माइक्रो लेवल प्लानिंग करके सजेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट एजेंसीज को। सहगल फाउंडेशन का काम है लाइजनिंग का, कि गांव से समस्याओं को निकाल कर और गांव वालों को ये अवगत कराना कि किस डिपार्टमेंट से आपकी ये समस्याएँ सॉल्व हो सकती हैं, और डिपार्टमेंट को ये बताना कि गांव में ये समस्याएं हैं, ताकि सरकार की जो स्कीमें हैं वो गांव में पूरी तरह लागू हो सकें।